बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई ठीक होंगे, और जो भी चैनल पे आया हो मेरा दोस्त मेरा वीडियो देख के उसको बहुत बहुत खुशामदीद, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से नवाजे। तो दोस्तों, कुछ यहूदियों के जो कुछ कबीले थे उनमें से कुछ कबीलों ने, यानी कि आधे कबीले, वो बंदर बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने ही मजहब की कोई परवाह ना की। तो दोस्तों, यहूदी का बंदर बनना क्या ऐसा वाक्य था? तो दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर देना हमारे वीडियो को दोस्तों, और आने वाले जो वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए तो घंटी भी आप दबा देना, यानी कि बेल आइकन को प्रेस कर देना, और दीन इस्लाम की बातें अच्छी तरह सुनना। तो दोस्तों, जैसे कि इस्लाम में जुमा इज्जत वाला है, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदू के लिए मंगल, उसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ता यानी कि सैटरडे बिल्कुल मुमकिन बनाया हुआ था इन्होंने। जो सैटरडे का दिन था उसमें मुहतरम था, मगर फर्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ उन लोगों पर जिन पर जुमा की नमाज फर्ज है, जुमा की पहली अजान से खत्म नमाज तक वो दुनियावी कारोबार का करना बिल्कुल हराम अल्लाह ताला ने बता दिया है कुरान पाक में। जो नमाजे में खलल अंदाज हो, औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग उस हुक्म से अलैदा हैं, क्योंकि उन पर जुमा फर्ज नहीं है। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के हाँ यहाँ, तो दोस्तों हमें तो यहूदियों की बात करनी है, हमने तो तुम्हें बता दिया क्या क्या बात था उस ज़माने में। दोस्तों, ये हजरत मूसा हजरत हारून अलैहि अस्सलाम के ज़माने की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, तो उनके यहाँ इन सारे दिनों में दुनियावी कारोबार हराम थे, और ख़ास कर शिकार करना सख्त जुर्म। मूसा अलैहि अस्सलाम के बाद ये वाक्या पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बहरी कलजम के किनारे शहर एला में रहती थी, जो मदीना मनवर और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान ये है कि हर हफ्ते उस दरिया में बेशुमार मछलियां नमूदार होती थी, यानी कि सैटरडे के दिन, या तो उनके इम्तिहान के लिए या उस मछली की ज्यारत के लिए जिसके पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियां गायब हो जाती थी। उनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे, यानी कि यहूदियों की मैं बात बता रहा हूँ, कि किसी तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए, जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ता के दिन की बेहरमती भी ना हो। आखिर उन अकलबंदों ने ये सोचा उन्होंने कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गार खोद दिए, यानी खड्डे खोद दिए और दरिया से उस गार तक नालियां बना दी। जुमा के शाम को उन नालियों का मुंह खोल देते थे कि पानी के साथ मछलियां उन गड्ढों में आ जाएं, और इतवार के दिन उन गड्ढों से पकड़ लेते थे और कहते थे कि हम हफ्ता को शिकार नहीं करते। उन्होंने वो मछलियां खूब खाई और फरोख्त यानी कि बेची किसी, जिससे ये बड़े ही मालदार अमीर हो गए थे। 40 या 70 साल तक उनका ये अमल रहा। ये लोग कुल 70,000 थे, उनके तीन जमातें बन गईं, एक तो शिकार करने वालों के, दूसरी उससे मुंह करने वाले के, यानी उनसे अलग होने वालों की, और तीसरी खामोश रहने वालों की, यानी कि तीन जमात बन गई। ये लोग कुल 12,000 थे, बाकी सब शिकार। जब शिकारियों ने उनकी नसीहत ना मानी, उन्होंने अपने और उनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के दो हिस्से बना दिए और कहा कि हम उनके साथ ना रहेंगे, यानी कि अच्छे जो यहूदी थे, जो बढ़िया यहूदी थे, वो उनके साथ ना रहे, क्योंकि वो शिकार करते थे, कि हम पर अजाब ना आ जाए। वो यहूदी डरते थे कि अल्लाह का अजाब ना आ जाए, यहाँ तक के
यहाँ तक के दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आ गया, आपने उनको शिकार करने से मना किया और फरमाया कि उस बेवकूफ़ कैद करना ही ये ना बेवकूफ़ो कैद करना ही तो शिकार है, यानी कि तुम ये जो तुमने चाल चली है ये भी शिकार जैसे ही है, जैसे कोई हिरन को जाल में फांस ले, उसने शिकार कर लिया, खाए या ना खाए, और खाए तो आज भी खाए या कभी दूसरे वक्त गर जी का हफ्ता के दिन तुम्हें शिकार की मनामत यानी कि मना किया फरमाया हुआ था है फरमाया है, ना कि फकत हाथ में पकड़ने की या खाने की, उससे बाज आ जाओ। यानी कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम वहाँ पे जब आए तो उन्होंने बोला कि इससे बाज आ जाओ, मत करो ये शिकार, यानी तो अल्लाह का आपके इस तरह अजाब आएगा तो पूछो मत, यानी गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा कि हम तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हमको अमन क्यों मिलती, यानी कि वो सोच रहे अभी तक हमें ऐसे क्यों मिलता, अमन क्यों मिलती हमें, कितने चालाक थे ये यहूदी, यानी कि कुछ यहूदी तो अच्छे थे और कुछ यहूदी क्या बिल्कुल जो उनकी दिमाग ही फिर गया था, तो हमें अमन क्यों मिलती। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई जिससे रब का गजब आ गया और रात में ये सब के सब बंदर बन गए। दोस्तों ये जब हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इनको ऐसा अजाब में डाल दो, देखो तो ये क्या हो गए, ये सब के सब इस तरह से तड़पने लगे बहुत ज़्यादा और बुरी तरह इनका बुरा हाल हो गया और ये बिल्कुल क्या बंदर बन गए, या जवान लोग बंदर और बूढ़े लोग सुअर बना दिए गए। अल्लाह ताला का जब अजाब इन पे आया हजरत हारून, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने ही नबुवत पूरी की थी दोस्तों, तो उनके अकल वे हवास तोबा की रहे मगर उनकी कोत गोयाई जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी, यानी कि उसका दिमाग उनका तो वही था लेकिन जो इंसानी रूप में थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे दोस्तों, इस तरह से वो इतने चालाक इंसान थे, अल्लाह ने उन पर ऐसा अजाब डाला कि बस ये ता कयामत तक ये बंदरों का जो है बनी इसराइल कौम के ये इस तरह से यहूदी थे। और लेकिन मैं सभी यहूदियों को नहीं बोलता क्योंकि दोस्तों ये यहूदी उनमें से तीन बिरादरी में बढ़ चुके थे, अच्छा बुरा और एक खामोश रहने वाला, जैसे कि हम देखते हैं कि गांधी के तीन बंदर होते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, सुबह का वक्त जब हुआ यानी कि अगले दिन तीन दिन के बाद सुबह के वक्त उस वक्त के उस महल्ले को लोगों ने देखा कि ना तो उसमें महल्ले में से कोई आदमी आता है और ना कोई आवाज़ ना कोई धुआं वगैरह निकलता है, तो ये दीवारों पर चढ़कर उनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर उनको देखकर उनकी तरफ दौड़े और उनके कदमों से लिपटने लगे और उनके कपड़े सूंघते और रोते थे। तो दोस्तों ये वो सब वाक्या था मेरे दोस्तों, उन लोगों ने कहा कि क्या हमने तुम्हें शिकार करने से मना नहीं किया था, वो बंदर सर हिलाते और आंसू उनको रुखसारों पर बहते थे। तो दोस्तों ये वो वाक्या था, ये ऐसा वाक्या है दोस्तों, अल्लाह ताला हमें भी अच्छे अमाल करने की बिल्कुल तौफीक अदा फरमाए और बुरे कामों से बचे, जिससे हुक्म किया है उस पर अमल करो, अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।